ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप जिन लोगों की मदद करते हैं, लोगों का सपोर्ट करते हैं और उन्हें उनके बुरे हालातों से या उनके खराब हालातों से या वो जिस जगह पे होते हैं, आप चाहते हैं कि इनके जीवन में एक सुधार हो। लेकिन हम जिन जिन लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जिन लोगों को हमने ऊपर उठाया है या जिन लोगों की हमने मदद की है, वही लोग हमें धोखा देते हैं। आखिरकार ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और ऐसा बार बार क्यों होता है? एक बार हो तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे साथ बार बार क्यों होती हैं? हम जिन पर विश्वास करते हैं, जिन लोगों को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, वो लोग हमारे साथ छल कपट कर लेते हैं और हमारे साथ धोखा हो जाता है और उस धोखे को हम पचा नहीं पाते हैं। वो धोखा हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। हम खुद को दोषी समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी बात आगे बढ़ानी नहीं थी, मुझे मदद नहीं करनी थी, और न जाने हम बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान ही किसी की मदद कर सकता है, किसी व्यक्ति के दर्द को समझ सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आप खुद को दोष देना बंद कर दें कि मैंने ऐसा क्यों किया या मेरे माध्यम से ऐसा क्यों हुआ, ये सब आपके बस में नहीं है। दूसरी बात है कि हम उस भाव में आ जाएं कि नेकी करे दरिया में डाले, हमें उनसे कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेने का कोई मतलब मत रखें। अगर आप उनसे कोई मतलब रखने का भाव आप रखेंगे और उनकी मदद करेंगे तो ये आपके लिए तकलीफ दे विषय होगा। इसलिए मदद आपको जिंदा रखें। आपको ऐसा लगता है कि हम उनको, आपको किसी की मदद करके दरअसल आपको अच्छा लगता है, आपके मन को शांति मिलते हैं और अब मदद करना आपका स्वभाव है, इसे आप कभी बदल भी नहीं सकते। और अगर आपने इसको बदल लिया तो शायद आप कई सारी परेशानियों में खुद को पाएंगे, क्योंकि मदद आपका नैसर्गिक स्वभाव है तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को यहाँ तक सुनते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि सबसे मुख्य बात ये होती है कि किसी की मदद करें, मदद करके दूर हट जाए। किसी भी व्यक्ति के लिए भी प्रोफेशनल रहे, मदद में आप भी प्रोफेशनल रहे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अपनी लिमिट कभी क्रॉस मत करें, आपको मदद कितनी करनी है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की बार बार मदद करने की, उससे मदद की आदि बना देंगे तो वो कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये कभी हमें नहीं करना है। और वो जब अपने दम पर बनेगा तो वो सोचेगा कि आपके जो मदद आपने की उसको वो गिनेगा नहीं, वो समझेगा कि सब उसी ने किया और उसके दम से सब चीज़ें हुई। इसलिए उनकी मदद उतनी ही करें जितनी उन्हें आवश्यकता है, उससे बहुत कम करें। आप सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पर आप हाथ पकड़ के चला नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ों में परिवर्तन अगर आप करेंगे तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा, कभी छल कपट नहीं होगा और आप इस तरह की जो भावनाएं आपके मन में नेगेटिविटी आती है, ये कभी नहीं आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। उनमें शिवाय।